नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना चाहिए वो है इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके सबसे पहले बता दूं कि कंपनी के हाल ही में कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट आया था 11th of January, और 11th of January के बाद रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे में देखिए यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ। तो गैप अप में ओपन हुआ क्यों, क्योंकि देखिए रिजल्ट बहुत शानदार आने के कारण यहाँ पे पिछले दिनों का क्लोजिंग इस कैंडल में था और नेक्स्ट डे के ओपनिंग यहाँ पे हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला। अभी इस जंप होने के पीछे एक ही रीजन है, वो रीजन देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो पॉजिटिव रिजल्ट आया उस रिजल्ट के आने के बाद ही इस तरीके से जंप देखने को मिला। तो रिजल्ट तो हर टाइम TCS का अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो ऐसे क्या खास है जिसके कारण मैसिव जंप देखने को मिला। देखिए खास सिर्फ यही कारण की वजह से है कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि कंपनी का इस बार रिजल्ट उतना खास नहीं आने वाला है, क्योंकि US के रिसेशन और यूरोप कंट्रीज में भी रिसेशन के कारण ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट के कारण IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर रिजल्ट खराब आना चाहिए था। फिर भी कंपनी के रिजल्ट इस बार भी TCS ने अच्छा खासा पेश किए और नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी 10,800 करोड़ से 11,000 करोड़ तक बना। अगर मैं यही चीज आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आप देखेंगे कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, जो 5 साल 3 साल में नहीं हुआ वो करंट ईयर में देखने को मिला। ROC एंड ROE दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से इस बार लास्ट ईयर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कर्जा तो कोई है ही नहीं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। 20% के आसपास था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ, 18.69% के आसपास देखने को मिला। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है इस कंपनी का, अगर कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का IT सर्विसेज के ऊपर 2.20 ग्लोबली मार्केट में, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज के ऊपर 8% के आसपास मार्केट शेयर है। और मज़ेदार बात यही है कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंपनी जो बिजनेस कर रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका से ही इस बार थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा था कि IT सेक्टर में रिजल्ट उतना खास नहीं आने वाले, इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला था। अभी वही सिचुएशन के बारे में बात करूं तो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा पब्लिश किया गया है उस डेटा के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, उसके बाद UK, उसके बाद यूरोप, बाकी इंडिया में भी बिजनेस है और लैटिन अमेरिका में है, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में है। तो बिजनेस बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका से ही कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। तो इस सारी चीज़ों को एक साथ देखते हुए मैं कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बना था, उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया। वो ट्रेड को जिस तरीके से बना, यहाँ पे क्या बना, एक कफ हुई कप बना, उसके बाद दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कफ हुई धारे पैटर्न बनने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट किसको किया, 200 डेज EMA को। देखिए 200 डेज EMA के पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से वॉल्यूम किया, और उसके बाद देखिए फिर से रीबैक किया। जब भी मैं आपको आपको हमेशा बोलता हूँ, जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो हमेशा आपको सपोर्ट के जगह पे, जहाँ पे इसका सपोर्ट है उस जगह पे आपको स्ट्रांगली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वही सपोर्ट के बाद कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल जाता है, और फाइनली धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मार्किंग करो तो मुझे जो टारगेट मिला ऑलमोस्ट 150 दिन में 17% के आसपास, 150 दिन का मतलब है अराउंड 5 मंथ्स, 5 मंथ्स में 17% का रिटर्न, मेरे हिसाब से इतने लार्ज कैप कंपनी के ऊपर बेस्ट रिटर्न है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम हम लोग जानते हैं डीमार्ट से। तो डीमार्ट आप सभी जानते हैं, डीमार्ट राधा किशन दमानी जी का कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, और थोड़ा सा प्रेशराइज होने के कारण शेयर में एक करेक्शन भी मोमेंटम। चलो सबसे पहले आपको एक चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद छोटा सा शोल्डर बना, और एक बार शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। और ध्यान से देखिएगा वो कहाँ से रिवर्सल कर रहा है,
इसका यहाँ पे स्ट्रॉन्गली क्या है, एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को जब भी रिटेस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ 200 डेज इसका सपोर्ट है, दो सपोर्ट इसको मिला। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद रिवर्सल किया, फिर से सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर से रिवर्सल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए दो नहीं तीन अलग अलग सपोर्ट बना। पहली बात यहाँ पे 200 डेज ईएमए का सपोर्ट है, दूसरी बात यहाँ पे स्ट्रांगली एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक रेंज के हिसाब से यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना, जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था उसी लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है। तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो ऊपर जा सकते हैं नहीं तो वो नीचे आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो 3340 लेवल तक, 43 लेवल तक आने का चांसेस है। अगर अपसाइड में जाकर ये जो लेवल है 4178 ये लेवल अगर ब्रेकआउट करे तो मैं कुछ जरूर डिसीजन लूंगा, और जो डिसीजन मैं लूंगा वो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर भी शेयर करूंगा। ये देखिए मेरे जितने सारे ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप प्लीज उस ट्रेड को ब्लाइंडली उस ट्रेड के ऊपर आप भी ट्रेड मत कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो डीमार्ट के कोई अंदर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कंपनी के। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूँ तो आपको इस बार भी पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स दिखेगा, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। 590 से 690 तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला, एक अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एज अ बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का बोरिंग्स जो 1400 करोड़ के आसपास था वो घट के आज 650 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, और कंपनी के जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर 4000 एक 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 148 करोड़ का टोटल रिजर्व था, आज 16700 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो कितना मतलब हाई ग्रोथेबल कंपनी है आप देख सकते हैं। और मजेदार बात क्या जानते हैं, CWIP में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाया, और इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर धमाका क्वांटिटी ऐड किया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने 7.2% और बाकी इसके ऊपर आदर्श जो है, मतलब म्यूचुअल फंड के बाद जो इंस्टीट्यूशन है FIs जो है वो 8.87% के आसपास, और FIs ने क्या किया 7.96% का होल्डिंग किया, और प्रोमोटर के पास 75% के आसपास होल्डिंग्स है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई भी माल बेचना नहीं चाहते। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्यों माल बेचे, इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ROC ROE दोनों ही बेस्ट है, डेप्थ कम है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन जो 4.93 था अभी थोड़ा सा बढ़ के 5.55% हो चुके हैं। तो ये कुछ अपडेट्स है जिस अपडेट्स के हिसाब से कंपनी को आगे बढ़ना है, और मेरे हिसाब से कंपनी आगे बढ़ने के भी दम रखते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड, जो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो ये भी एक रिटेल सेगमेंट के ऊपर है, ट्रेडिंग सेगमेंट के ऊपर। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बाद इस कंपनी का नाम आपको दिख जाएगा। तो ट्रेंड के ऊपर जो धमाका हुआ वो देखने का लायक है, क्योंकि सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ। तो जब 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 इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना मैं आपके साथ शेयर किया, फाइनली यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले एक रेंज क्रिएट हुआ था। रेंज का मतलब, इसका मतलब क्या होते हैं, देखिए निकोलस नाम की एक व्यक्ति ने, जो अमेरिकन व्यक्ति थे, उन्होंने इस पैटर्न्स को फॉलो करके करोड़ों पैसे छापे, और उनका कहना है कि जब भी कोई शेयर कंटिन्यूसली जर्नी करे और उसके बाद एक जगह पे रुके और वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे तो सोचना फिर से एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली देखिए आपने जब रेंज क्रिएट किया, आपको मैं ये बताया कि जब भी अपर साइड को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से तेजी से वो भाग रहा है मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से यहाँ पे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी जर्नी होना बाकी है। मगर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर आप इस टॉप लेवल में बाई करने वाले, नहीं मेरे बाई तो पहले ही है, और दूसरी बात मैं जब से बाई किया हूँ उस सिचुएशन से देखूँ तो अभी तक जो रेंज बना है वो 30% तक मुझे रिटर्न नहीं दिया। मेरा टारगेट हमेशा एंट्री लेवल से 30% के ऊपर रहता है, तो 30% तक जब तक टारगेट ना मिले मैं वेट करूंगा। और दूसरी बात, इस टॉप लेवल में अगर मुझे मान के चलिए यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं मिला तो मैं टॉप लेवल में कभी भी एंट्री नहीं लेता, क्योंकि किसी भी कंपनीज के ऊपर जब लगातार शेयर भागते चले जा रहा है उस जगह पे आपको फोमो बाइंग नहीं करना है।
बाकी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देखेंगे कंपनी सिर्फ यही भाग नहीं रहा, कंपनी का सेल्स में भी बहुत शानदार ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट में भी देखिए 155 करोड़ से 370 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो अलग लेवल का डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, जिसके चलते कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। अब इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा अपडेट है बोनस का, सॉरी डिविडेंड का, क्योंकि बोनस कंपनी पिछले साल में दिया था। डिविडेंड कब मिलेगा? 21 तारीख को 18 रुपीज करके कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।